आप सभी लोगों को मालूम होगा, वैसे तो पाकिस्तान और भारत के बीच कई बार संघर्ष होता रहता है, कई बार झड़पें होती रहती है, लेकिन आप सभी जानते हैं कि हर बार पाकिस्तान को ही मुंह की खानी पड़ती है, पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ता है। लेकिन बात युद्धों की करें अगर, तो आप देखेंगे अभी तक भारत और पाकिस्तान के बीच 4 युद्ध हुए हैं, और जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान को हार का मुंह देखना पड़ा और भारत विजयी हुआ, हमारी सेना ने उन्हें बुरी तरह से परास्त किया। लेकिन आप सभी जानते हैं कि फिर भी पाकिस्तान सुधरने का नाम नहीं लेता है। आज हम लोग क्या करेंगे कि इन 4 युद्धों को विस्तार में देखेंगे, किन क्षेत्रों को लेकर ये युद्ध होता रहा है। एक बार आप लोग क्या करिए कि भारत और पाकिस्तान का मैप देखिएगा। देखिए आप सभी जानते हैं कि हमारी प्यारी पृथ्वी है, और इसमें आप देखेंगे तो एशिया में हमारा प्यारा भारत है, और पड़ोसियों की बात करें तो श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार, भूटान, नेपाल, ऊपर आप देखेंगे चाइना, पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान। आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए कि 1947 तक पाकिस्तान हो या फिर बांग्लादेश हो, ये भारत का ही हिस्सा हुआ करते थे। लेकिन 1947 में भारत का बंटवारा होता है और पाकिस्तान एक नया देश उभर के आता है। और आपको बता दूं कि 1971 तक जो आप लोग बांग्लादेश आज देखते हैं ना, ये भी पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। आगे चल के आप देखेंगे पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो जाते हैं और एक नया देश बांग्लादेश उभर के आता है। यहाँ आप देखेंगे जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा, आप सभी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर हो या फिर लद्दाख हो, आप सभी को मालूम होगा कि 2019 में जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया, एक आपका लद्दाख हो गया, एक जम्मू कश्मीर हो गया। और आपको बता दूं दोनों केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन जम्मू कश्मीर में आपकी विधानसभा होगी दिल्ली की तरह, लेकिन लद्दाख में विधानसभा नहीं होगी। ठीक है, तो इसको लेकर विवाद चलता रहता है। एक बार आप लोग यहाँ भी मैप देख लीजिए, ये आपको जम्मू कश्मीर देखने को मिलेगा, ये आपको लद्दाख देखने को मिलेगा। और आप सभी लोग यहाँ देखेंगे अगर, तो आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा। तो आपको बता दूं कि देखिए इस हिस्से पर, किस हिस्से पर, इस हिस्से पर आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर के इस हिस्से पर पाकिस्तान का कब्जा है, जिसे आप लोग POK कहते हैं, पाकिस्तान की कब्जे वाला जम्मू कश्मीर। और यहाँ आप देखेंगे अक्साई चीन, यानी कि चाइना का कब्जा है हमारे क्षेत्र पर। तो इस बात से आप लोगों को स्पष्ट हो गई होगी कि हम लोगों ने किसी की जमीन पर कब्जा नहीं किया हुआ है, हमारी जमीन पर आप देखेंगे किसी ने कब्जा किया हुआ है। यानी कि पाकिस्तान ने आप देखेंगे 1947-48 के युद्ध में जम्मू कश्मीर के कुछ भाग पर कब्जा कर लिया था। और चाइना की तो बात छोड़ी, चाइना तो अभी भी आप देखते हैं कि बढ़ता आ रहा है आगे आगे। ठीक है, तो इसी क्षेत्र की बात कर रहे हैं हम लोग। तो आप देखेंगे कि 1900 अगर हम लोग 47-48 के युद्ध की बात करें तो भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो जाता है और जम्मू कश्मीर हमारे में विलय हो जाता है, भारत में विलय की बात करता है। लेकिन आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर पर आक्रमण कर देता है। अक्टूबर 1947 में ये शुरू होता है, कश्मीर युद्ध से आप लोग कहते हैं, या फिर ऐसे आप लोग भारत पाकिस्तान युद्ध भी कहते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच पहला युद्ध के नाम से भी आप लोग जानते हैं। आपको बता दूं कि इस दौरान पाकिस्तानी सेना के समर्थन से जो यहाँ जनजातीय लड़ाकू थे, यानी कि जिसे आप लोग कबायलियों कह भी कहते हैं, ये बड़ी तादाद में कश्मीर में घुस जाते हैं और आप देखते हैं कि लूटपाट करते हैं, हत्याएं करते हैं, बलात्कार करते हैं, और लगभग 6 महीने तक ये संघर्ष चलता है। उसके बाद आप देखेंगे 22 अप्रैल 1948 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक रेजुलेशन पास होता है, जिसे आप लोग 47 कहते हैं, और जिसके बाद दोनों देशों के तत्कालीन मोर्चों को ही स्थायी बना दिया गया। कहने का मेरा मतलब ये है कि जहां तक जिसकी सेना ने कब्जा कर लिया था उसे उसका हिस्सा मान लिया गया एक तरह से। तो इसीलिए आप देखते हैं कि ये हमारा हिस्सा है, फिर भी पाकिस्तान के कब्जे में बना हुआ है, और ये आपका पूरा भारत के हिस्से में भारत की सेना का कब्जा हो चुका था इस समय। और इसमें आप देखेंगे कि इसे आप लोग LOC कहते हैं, और 1 जनवरी 1949 की रात को, ये लगभग आप देखेंगे 11-12 बजे रात में औपचारिक संघर्ष विराम घोषित किया जाता है। और युद्ध के बाद आप देखेंगे भारत का कब्जा कश्मीर के कुल भौगोलिक क्षेत्र के लगभग 2/3 हिस्से पर, जिसमें आप कश्मीर घाटी देखें, जम्मू देखें, लद्दाख देखें, इस पर भारत का कब्जा हो जाता है। और जो शेष हिस्सा रहता है, जिसे आप लोग POK कहते हैं, अब जो पाकिस्तान के कब्जे वाला है, उस पर पाकिस्तान का कब्जा हो जाता है। और ये आप देखेंगे तो 1/3 हिस्सा है, जिसमें आप पाक अधिकृत कश्मीर हो गया, गिलगित हो गया, बालिस्तान हो गया, ये इस पर किसका कब्जा है, अभी पाकिस्तान का कब्जा है। और इसीलिए आप देखते हैं कि पाकिस्तान जब भी चर्चा करता है तो हमारे देश की तरफ से कह दिया जाता है, भारत सरकार की तरफ से,
अब जम्मू कश्मीर के हिस्से पर बात नहीं होगी, अब बात होगी तो गिलगिट बाल्टिस्तान या पाक अधिकृत कश्मीर पर चर्चा होगी। जम्मू कश्मीर तो हमारा हिस्सा है ही, ठीक है। फिर आप देखते हैं कि 1965 में एक युद्ध होता है। आप सभी लोगों को बता दूं कि 1962 का जो भारत और चाइना के बीच युद्ध हुआ था, इसमें भारत की हार हो जाती है, और भारत की हार हो जाती है तो पाकिस्तान समझने लगता है कि भारत कमजोर हो चुका है, और क्या करता है कि पाकिस्तान हमारे ऊपर आक्रमण कर देता है। और इस युद्ध की अगर हम लोग वजह बताएं तो पाकिस्तान ही वजह था। और दरअसल पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर चलाया, और जिसके तहत पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में सेना भेजकर भारतीय शासन के विरुद्ध विद्रोह शुरू करवाने की एक साजिश रची थी। और जवाब में भारत ने भी पश्चिमी पाकिस्तान पर बड़े पैमाने पर सैन्य हमले शुरू कर दिए थे, और 17 दिन तक लगातार ये लड़ाई चलती है, और हजारों आप देखेंगे जान हानि, यानी कि सैनिकों की जान भी जाती है उसमें। और अंततः तत्कालीन सोवियत संघ यानी कि USSR, जिसे आप लोग रूस कहते हैं ना, उसे पहले आप लोग सोवियत संघ कहा करते थे, और संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि USA के राजनयिक हस्तक्षेप के युद्ध विराम घोषित किया जाता है। वर्ष 1966 के पहले महीने में भारत और पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्रियों ने ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। तो यहां चलकर आप देखेंगे दूसरा आपका जो भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है वो समाप्त हो जाता है। एक बार आप लोग USA को देख लीजिए और रूस को देख लीजिएगा, रूस को और USA को देख लीजिएगा। देखिए यहां आप देखेंगे तो रूस क्षेत्रफल में, आप सभी जानते हैं कि रूस पहले नंबर पर है, तो इसी की बात कर रहे हैं। और यहां आप देखेंगे तो यहां आप लोगों को USA देखने को मिलेगा, संयुक्त राज्य अमेरिका यूनाइटेड स्टेट, इसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। और आपको बता दूं कि रूस का कुछ हिस्सा एशिया में भी पड़ता है, कुछ हिस्सा यूरोप में भी पड़ता है, ये भी आप लोग विशेष तौर पर याद रखिएगा। फिर आप देखेंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 में एक युद्ध होता है, और आप सभी जानते हैं कि इस युद्ध में पाकिस्तान को बहुत नुकसान उठाना पड़ता है, और आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो जाते हैं। और इस समय आपको बता दूं कि हमारे प्रधानमंत्री कौन थे, इंदिरा गांधी थी। और 1965 के समय आप देखेंगे लाल बहादुर शास्त्री साहब थे। और इस युद्ध को आप देखेंगे बांग्लादेश का स्वतंत्रता संग्राम भी आप लोग कहते हैं, क्योंकि दुनिया में सबसे कम अवधि तक चली युद्धों में शुमार की जाने वाली इस जंग का खात्मा बांग्लादेश के गठन के साथ ही हुआ था। और भारत और पाकिस्तान के बीच सभी युद्धों में 1971 की हार को पाकिस्तान की सबसे बड़ी हार भी माना गया था। और इस युद्ध के अंत में आप देखेंगे पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान यानी कि कहने का मतलब ये आप देखें बांग्लादेश आजाद हुआ था, ठीक है। और इसमें आप देखेंगे तो पाकिस्तान आजाद हुआ था, और जिसे आप लोग बांग्लादेश के रूप में जानते हैं, नए देश के रूप में एक तरह से उभरा था। और 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी सेना ने सरेंडर कर दिया था, और ढाका में पाकिस्तानी लेफ्टिनेंट जनरल AAK नियाजी ने भारत के लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के समक्ष आप देखेंगे आत्मसमर्पण कर दिया था। एक तरह से आप देखिए आत्मसमर्पण का पत्र लिखकर उस पर हस्ताक्षर कर दिए थे कि हम हार चुके हैं। और इस युद्ध में आप देखेंगे तो 90,000 से 93,000 पाकिस्तानी युद्ध बंदी भी भारत की हिरासत में थे, जिन्हें रिहा कर दिया गया था बाद में बातचीत के जरिए। और बातचीत में आप देखेंगे तो भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति JA भुट्टो के बीच हुई थी, और परिणाम स्वरूप जून 1972 में दोनों देशों के बीच शांति और व्यवस्था बहाली हेतु शिमला समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे। लेकिन आपको बता दूं कि हम तो हर समझौते को मानते हैं, लेकिन पाकिस्तान इस तरह के समझौतों को नकारता रहता है, पता नहीं क्या सोचता रहता है। पर आप देखते हैं कि इसमें भी पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा, धूल चाटनी पड़ी। फिर आप देखते हैं कि एक 1999 में होता है, जिसे आप लोग कारगिल युद्ध कहते हैं। और आपको बता दूं कि पाकिस्तान की तरफ से जम्मू कश्मीर में ही हमला किया जाता है, ठीक है। तो भारत और पाकिस्तान के परमाणु शक्ति संपन्न बन जाने के बाद मई जुलाई 1999 के दौरान दोनों देशों के बीच पहले सशस्त्र संघर्ष को कारगिल युद्ध या फिर भारतीय पहलू से ऑपरेशन विजय के नाम से जाना जाता है। और इसमें आप देखेंगे कि पाकिस्तान की सेना और कश्मीरी आतंकवादियों ने भारत और पाकिस्तान के बीच मौजूद नियंत्रण रेखा को पार कर भारतीय इलाकों पर कब्जा करने की कोशिश की थी, और भारतीय थलसेना वायुसेना ने उन ठिकानों पर हमला कर दिया था जिन पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था।
और आपको बता दूं कि पाकिस्तान को सीमा पर लौट जाने के लिए मजबूर कर दिया था हमारी सेना ने। और पाकिस्तान का दावा था कि भारतीय सेना से लड़ने वाले सभी कश्मीरी आतंकवादी हैं, लेकिन युद्ध के दौरान बरामद जो भी दस्तावेज वहां जो भी कागजात शामिल थे उनमें ये साबित हो गया था कि ये पाकिस्तानी सेना भी प्रत्यक्ष रूप से इस युद्ध में भाग ले रही थी। और दोनों भी देशों के बीच शांति और स्थिरता बनाए रखने और अपनी जनता की उन्नति और समृद्धि के लिए भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के साथ 21 फरवरी 1999 को लाहौर घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हुए थे। हम लोग तो हमेशा चाहते हैं कि हमारे जो भी पड़ोसी हैं उनसे शांति व्यवस्था बनी रहे, वो विकास करें, वो उन्नति करें, वहाँ की जनता खुशहाल रहे, लेकिन आपको बता दूं कि हमारे पड़ोसी ये कभी नहीं चाहते हैं। आप देखिए पाकिस्तान की बुरी हालत है, वहाँ अच्छे से खाने के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी आप देखिए इस तरह की हरकतें करता रहता है। तो वही हाल है कि आप गांव में देखते होंगे कि आपका पड़ोसी आपसे हमेशा जलता रहता है, भले आप चाहें कि आपका पड़ोसी दिन दोगुनी, क्या कहते हैं, रात चौगुनी तरक्की करे, लेकिन वो चाहेगा कि हमेशा ये बर्बाद रहे। तो वही हमारे पड़ोसी पाकिस्तान का भी काम है। अब आप खुद देख लीजिएगा, जैसे आप देख लीजिएगा यूएन ने जो निर्धारित कर दिया था, यहाँ आप देखिए ला एलओसी को, इसे हम लोग देखिए मानते हैं, हम लोग कभी घुसपैठ नहीं करते इस क्षेत्र में, हमारा हिस्सा है, फिर भी हम लोग कोशिश नहीं करते। समय आने पर हो सकता है कि हम लोग उसे जल्दी कब्जे में ले लें, लेकिन फिर भी आप देखिए कि पाकिस्तान इस तरह की हरकतें करता रहता है और हमारे इस क्षेत्र में भी वो आतंकी घटनाएं को अंजाम देता रहता है, घुसपैठ करता रहता है। और यहाँ आप लोग इसे देख लीजिएगा लद्दाख वाले हिस्से को, यही काम कौन करता है, चाइना करता है। और चाइना आप देख रहे हैं कि अभी कुछ समय पहले झड़प भी हुई थी जिसमें हमारे कुछ सैनिक शहीद भी हुए थे। तो हमारे पड़ोसी एक तरह से आप कह सकते हैं कि बहुत ही अशांत है। और आप देखेंगे जब हमारे हिस्से में ये आ जाएगा तो हमारी सीमा अफगानिस्तान से भी लगेगी। और अभी अगर आपसे कभी कोई कोई क्वेश्चन आता है या कोई पूछता है कि क्या भारत की सीमा अफगानिस्तान से लगती है, तो आप लोगों को बता देना है कि जी, भारत की सीमा अफगानिस्तान से लगती है। अगर आप नहीं कहते हैं तो आप ये मान लिया है आपने कि जो पीओके वाला हिस्सा है वो हमारा हिस्सा नहीं है। तो याद रखिए हमारा हिस्सा है वो, आज नहीं तो कल वो हमारा हिस्सा बन के रहेगा, ये जरूर आप लोगों को याद रखना होगा। चलिए, तो ये कुछ युद्ध थे, उनके परिणाम भी आप लोगों ने देखे हुए। तो अभी भी सुधर जाए पाकिस्तान।